सभी दोस्तों को नमस्कार। आज आप देख सकते हैं कि लखनऊ में पहली फुहार पड़ी है बारिश की, और क्यों ज़रूरी है बारिश का पानी पौधों को, इस विषय में बताऊंगा और बहुत सारे अपने पौधों को दिखाऊंगा कि पहली फुहार का पौधों पर क्या असर हुआ है। आप देख सकते हैं पौधे अपने आप को हरे भरे और स्वस्थ महसूस करते हैं। जैसे हम सभी लोगों के जीवन में फेस्टिवल का महत्व होता है, इसी तरह पौधों के लिए भी जो मानसून का सीज़न होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप देख सकते हैं, क्योंकि पौधों के लिए मानसून सीज़न जो होता है किसी फेस्टिवल से कम नहीं है, और इसमें सभी पौधे अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। मैं कुछ चीज़ें इसमें बताना चाहूँगा आप सभी को। जो लोग इंडोर में प्लांट रखते हैं वो बारिश का पानी कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उनके लिए यही मैं कहूँगा कि जो बारिश का पानी है वो किसी बाल्टी या टब में या किसी भी जगह स्टोर कर लें और उसे अपने इंडोर प्लांट में दे दें। उन्हें प्लांट्स बाहर लाने की आवश्यकता नहीं है। बारिश का पानी इकट्ठा किया हुआ आप अपने इंडोर प्लांट में आसानी से दे सकते हैं और उससे भी अच्छी तरीके से पौधा ग्रो करेगा। आप लोगों को कुछ और पौधे दिखाऊंगा। ये नींबू का पौधा आप देख लीजिए, पानी की फुहार पड़ने के बाद अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रहा है। बहुत सारे पौधे मैंने अपने टेरेस गार्डन पर लगा रखे हैं, उनमें से कुछ आपको दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए नींबू का पौधा, और इसमें बहुत सारे नींबू लगे थे, मैंने हार्वेस्ट कर लिए बहुत सारे नींबू, और धूप के कारण आप देख सकते हैं कि पत्तियाँ कैसी हो रही हैं। लेकिन जब पानी की फुहार पड़ेगी तो ये पौधा भी अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेगा। ये सेब का पौधा है, चारामेंट 99, और ये एप्पल बेर का पौधा आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही तरोताज़ा महसूस कर रहा है पहली फुहार से। ये अमरूद का पौधा है, 57 गुआवा, और इसमें देखिए फ्लावरिंग भी अब स्टार्ट हो रही है। बहुत अच्छी तरीके से बारिश के पानी के कारण पौधा ग्रो करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स और तरह तरह के जो ऐसे पोषक तत्व जो कहीं नहीं मिलते वो बारिश के पानी में ही मिलते हैं, और पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करता है। ये चाइना मौसमी का पौधा आप देख सकते हैं, ये शरीफे का पौधा है। हम सभी लोग जानते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण कितनी ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है, तो बारिश की पहली फुहार पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में बुलबुल ने छोटे छोटे दो बच्चों को जन्म दिया है और कितने प्यारे लग रहे हैं। सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।